जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की विवेचना जारी है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में दिन प्रतिदिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की साजिश एक सप्ताह पहले ही रच ली गई थी। जहांगीरपुरी हिंसा को अंजाम देने के लिए एक हफ्ते पहले से ही छतों पर पत्थर, रोड़ी और ईंटें एकत्रित कर दिए गए थे। शोभा यात्रा में बहस करने वाला आरोपी अंसार ही मुख्य साजिश करता है। वो संगठित आपराधिक गिरोह चलाता था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जहांगीरपुरी हिंसा के अधिकतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो भी बचे हुए हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रामनवमी वाले दिन अंसार की 10 से 12 लोगों के साथ कुशल चौक के पास बैठक हुई थी। इस बैठक में हिंसा की साजिश को रचा गया था, जिसमें यह तय हुआ था कि शोभा यात्रा को कुशल चौक से नहीं गुजरने दिया जाएगा और यही मुद्दा था जिसके कारण हिंसा हुई थी। छतों पर ईंटें और पत्थर एकत्रित करने की पुष्टि इस बात से होती है कि दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम पर जब छत पर जांच करने गई तो वहां काफी मात्रा में ईंट पत्थर मिले। बहरहाल जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की विवेचना जारी है। दिल्ली पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में अभी और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।